हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी लोगों को बता दें कि आज हम जा रहे खुंडी माता का जो सफ़र है, आज यहां से हमने शुरू किया है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। और यहां पे हम अभी पहुंच गए हैं बनोटू धार। बनोटू से चौरी धार के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफ़र और तय करना पड़ेगा, तभी हम चौरी धार के बिल्कुल टॉप पे पहुंच पाएंगे। हमारे जो साथी हैं ये बैठे हुए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने शूज़ क्यों खोल दिए? गर्मी लग रही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? बस महाराज, चलिए कुछ वहीं करने चले। क्या नाम है? रहमत। स्कूल नहीं जाना? छड़ी पे दाढ़ी आए थे, पढ़ रहे चाहिए ना। बर्खा अंदर मजे लगे ना? बुरा हाल है ना, बर्खा बुरी आ रहा। हाँ जी, कैसा लग रहा आपको? अच्छा। थक गया क्या? नहीं। हमारा जो पहला पड़ाव है चौरी धार, तो बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है। तो अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं चौरी धार में, और चौरी धार में हमें और भी हमारे साथी मिल गए हैं। और थोड़ी देर हमने चौरी धार में आराम किया और आगे का सफर चौरी से चंडी के लिए हमने शुरू कर दिया। हमें यहाँ पर कुछ गुज्जर समुदाय के बच्चे मिले हैं, इनके साथ कुछ बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नजीर। अच्छा, स्कूल है जाना? किन्नी अंदर पढ़ता? दूसरी। ओ शाबाश, दाढ़ी है ऊपर? ऊपर की दाढ़ी है दोबारी? 4-5 रोज होगी, बड़े रोज होगी। ठीक है ठीक है। ये देखो भाई, ये हमारे भाई मिले यहाँ पे। भाई क्या नाम है आपका? स्वार्दीन। स्वार्दीन, बड़े रोज हुई है ना? कितने दिन हुए? दो दिन की दाढ़ी जाना पे। लेट ही जाना है, चलिए ना पे। बर्खा अंदर तो बुरा हाल है ना। चलो पढ़ देन की वही स्टडी पूरी? अच्छा, छड़ी दिया। चलो कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है भाई, है ना, ओके। चंडी में हमें इस रास्ते का पहला लंगर मिल गया है और यहाँ पर हमने माता का प्रसाद ग्रहण किया और आगे का रास्ता शुरू कर दिया। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अनूप शर्मा। अनूप भाई का क्या नाम? गजेंद्र। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चला में। चला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और गांव जुंघरार के लोगों ने यहां पर भी लंगर की व्यवस्था की होती है। अगर आप खुंडी माता जाना चाहते हैं तो कृपा करके एक बार जरूर इस रास्ते से आएं और यहां की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। चला के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसका नज़ारा देखकर आपका मन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। महाराज जी बड़ी चले। हाँ जी, महाराज जी। क्या नाम है भाई का? भाई मेरा नाम मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। दूसरे भाई का? हुसैन। हुसैन है ना, इतने ही है तुम्हारे धार? इतने ही है। खुंडी का है। खुंडी ये थे आप? बैगा है कल शाम। अच्छा भाई, क्या बात। ये किए थे कुछ काम को? खुंटी है दाद तुम्हारी? क्या बात है। अब घर चले कुछ घर कुछ? अच्छा, खिलियो। ठीक है भाई, ठीक। चला से करीब 1.5 से 2 घंटे के सफर के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं शकरी में, और शकरी में थोड़ी देर हमने आराम किया और आगे का सफर एंड पुखरी के लिए शुरू कर दिया। तो अभी सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर बोलते हैं नंदेड़, और नंदेड़ से 1.5 से 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे एंड पुखरी में। हाँ जी, चलिए थक गए। चलो भाई, चलो चलो जी। फाइनली एंड पुखर में पहुंच गए हैं। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। आज का सफर हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे का सफर कल सुबह तय करेंगे। जय माता दी। अजी जय साहब। हाँ जी चाय साहब, नमस्कार। कैसा लग रहा है चाय साहब आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
आप तो बहुत पहली बार आए कि नहीं? नहीं नहीं, मैं 6 साल बाद आ चुका हूं। वाह जी वाह, ये पहली बार? ये मैं तो पहली बार आ रहा हूं, मैं दूसरी बार आ रहा हूं। ओ वेरी गुड। चाय साहब कहां पे पहुंच गए हम? हम जी इधर पहुंच गए डुगा भद्रवाह। डुगा भद्रवाह? हां जी। कितना टाइम बच गया आप? अब चलने वालों के लिए तो करीब 2.5-3 घंटे का टाइम है, और जो इनकी धीमी रफ्तार है उनको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलो जी। अभी डुगा भद्रवाह से ऊपर तकरीबन हमारे को 3-4 घंटे के बीच में टाइम लग सकता है। अभी यहाँ पर सुबह का हमने जलपान नहीं किया, कुछ मुँह वहाँ धो लेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे। बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं ऊपर। हाँ जी, माता जी के दर्शन करिए। बिल्कुल। तकरीबन 11-11:30 बजे हम पहुँच जाएंगे माता खुंडी माता के मंदिर। बिल्कुल। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिन का नज़ारा क्या बनता है। बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी। आज सुबह 6 बजे हमने स्पीकर की चढ़ाई स्टार्ट की थी, और अभी हम पहुंचने वाले हैं काला पानी के पास। धूप भी चारों तरफ निकल चुकी है। चाचा साहब कहाँ पहुंच गए? हम काला पानी में पहुंच गए। बस है, ये लंगर लगा है काला पानी में। अच्छा, लंगर लगा हुआ है, जिनको भूख वगैरह है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं नाश्ता वगैरह। अच्छा अच्छा, तो अब तो थोड़ा ही रह गया। अब थोड़ा रह गया, थोड़ी चढ़ाई प्याजी की जोर की, फिर आगे थोड़ा चढ़ना पड़ेगा 1.5-2 घंटे का। अच्छा हाँ जी, तब तो पहुँच ही गए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। हेलो हेलो करो बेटे। हेलो करो। ठंड लग रही है आपको? थोड़ी थोड़ी। जय माता दी। ले भाई। कितनी परीक्षा लिख दी है मैया तूने, भाग्य में मेरे अफसोस है ये, डूब रही है नैया सामने तेरे। हंसने लगा है संसार हो, हंसने लगा है संसार। खुंडी वाली माता की जय। चांदी वाली माता की जय। मणि महेश की जय। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं प्यारी जोत में, और लोगों ने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। बढ़िया बना, बढ़िया लेंटर पाई करे तू चाहता। अच्छा साहब पहुंच गए? हाँ जी पहुंच गए, बिल्कुल आखिरी चोटी पर। चाचा उतराई स्टार्ट हो गया? बिल्कुल, अब डुगी बड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे छोटे भाई रमेश कुमार जी। हाँ जी, काफी लंबे अरसे से इन्होंने ट्रैवल कर रहे हैं। का माहौल बड़े चाचा जी हैं, तो काफी हमारी टीम के जो कैप्टन थे, कैप्टन है, रिटायर हो गए। अच्छा, मैच में ओपनिंग कर सकते हैं कुछ टाइम। अच्छा अच्छा, बड़ी स्ट्रगल के बाद मेहरबानी से सफल रहा। हमारा जितना भी ग्रुप था वो सफेद कपड़ा बिल्कुल सही है, किसी को कोई बुखार वगैरह या कोई। अच्छा, तबे अभी हम पहुंच गए हैं डुग्गी मड़ी में, और डुग्गी मड़ी से माता के मंदिर तक का हमारा सफर 1-1.5 घंटे का बच गया है। और सामने आप देख सकते हैं भेड़ पालकों का डेरा लग रहा है। आपको दिखाते हैं कोई अंदर रह रहा है या नहीं है। हाजी मामा साहब, लगी पकड़ना, लगी बढ़ना, पैर रुकना। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह।
हाँ जी, हाँ जी, चलो भाई कर लेना, कर लेना कि और भी शौक। अच्छा अच्छा ठीक है मौसम। हाँ जी मौसम, क्या लाया है? पानी स्टार्ट है।